हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत और आपका स्वागत है भरत किचन हिंदी में। अब फेस्टिवल सीजन तो आने ही वाला है और फेस्टिवल सीजन में जो चीज सबसे बढ़िया होती है वो है मिठाई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस बारी बालूशाही या बदूशा से शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मेरी बालूशाही में कितना अच्छा से अंदर तक जूस भरा हुआ है। ये काफी सॉफ्ट है और सच में मजाक नहीं कर रहा, खाने में बहुत ही अच्छी है। अब इस रेसिपी में आपको सारे सीक्रेट, चाहे वो हलवाई के हों या वो मेरे बनाए हुए हों, वो सब बताऊंगा। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बालूशाही बनाने के लिए लिया है लगभग 2 कप मैदा। उसके साथ आपको चाहिए काफी सारा घी, यहाँ पे लगभग आधा कप घी और आधा कप पानी लिया है मैंने, और साथ में लिया थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और नमक। तो ये तो हो गया हमारी बालूशाही का डो बनाने के लिए। अब चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप चीनी, तो 1 कप पानी, साथ में आपको चाहिए होगी थोड़ी सी इलायची, उस यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा कूट लिया है, और आखिर में मैंने थोड़े से पानी में केसर को डाल के रखा है। केसर ही एक अलग सा फ्लेवर देगा और केसर ही हमारी शुगर सिरप को यानी हमारी चाशनी को कलर देगा। अब बालूशाही के अंदर तक चाशनी पहुंचाने का पहला सीक्रेट ये है कि आपकी चाशनी थोड़ी सी वार्म होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले आप अपनी चाशनी बनाना ही शुरू करें। तो यहाँ पे मैंने लो फ्लेम पे अपनी चीनी डाल दी है और इसके साथ में डाल दिया पानी। अब इसको थोड़ा सा चलाते रहें और चीनी को अच्छे से पकने दें। और यहाँ पे मेरी चीनी बिल्कुल साफ है, तो मेरे को ऐसी कोई टेंशन नहीं हुई कि दूध डाल के मैंने उसमें से सारी गंदगी निकाली हो, तो ऐसी कोई टेंशन मेरे साथ तो नहीं हुई। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो तो आप थोड़ा सा दूध डाल के सारी मैल को छान सकते हैं। अब जैसे ही आपकी चीनी उबलने लग जाए, मतलब पूरी अच्छे से घुल जाए, तो उस समय आप डालें यहाँ पर अपना केसर वाला पानी और साथ में डाल दें अपनी इलायची। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको डालनी है वो है थोड़ा सा नींबू का रस। बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, बहुत थोड़ा सा। ये नींबू डालना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर कोई भी चीनी का क्रिस्टल अब इस चाशनी में पड़ा तो ये चाशनी अपने आप रिक्रिस्टलाइज हो जाएगी, मतलब वापस फर्म हो जाएगी। तो ये आप बिल्कुल भी नहीं चाहते अपनी चाशनी से। आप चाहते हो कि आराम सारी बालूशाही के अंदर रहे और उसको मॉइस्ट रखे, और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो यहाँ पर मैं अपनी चाशनी को थोड़ा सा स्लो फ्लेम पे पकने दूंगा। और यहाँ पर आप एक तार की चाशनी या 2 तार की, कोई तार की चाशनी नहीं चाह रहे, आप इसको थोड़ा सा गाढ़ा करना चाहते हो। अब जब तक ये चाशनी थोड़ी सी पक रही है तब तक हम ना बालूशाही का आटा लगा देते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैदे में डाला है अपना बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक, और जी हाँ, मीठे में नमक डालना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस तभी बनेगा, नहीं तो आपको इस बालूशाही में आटे का टेस्ट आने लगेगा। उसके बाद इसमें डालें अपना घी, और घी डालते ही इसके साथ में अपना पानी भी डाल दें। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि पानी थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, मतलब मैंने यहाँ पर थोड़ा कॉम्बिनेशन ले लिया है कि थोड़ा फ्रिज का पानी मिला के, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर का पानी मिला के आधा आधा करके, ताकि थोड़ा सा पानी ठंडा हो। और बस इन सबको आपको ऐसे अच्छे से मिलाना है, मतलब आपको इसका आटा बिल्कुल भी नहीं लगाना, आपको सिर्फ इसको ऐसे जोड़ना है। तो जब आपका आटा पूरे अच्छे तरीके से जुड़ जाए, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी सूखा आटा नहीं दिख रहा, तो जब आपको ऐसा आटा मिल जाए तो इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक रेस्ट करने दें। तो इसको ढक के रखें और 10 से 15 मिनट तक इसको रेस्ट होने दें। तो लगभग 10 से 15 मिनट रेस्ट करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ हलवाई के सीक्रेट्स कि क्या करते हैं जिससे वो शेप आती है बालूशाही वाली। तो अब आपको करना क्या है, ये है कि अपने हाथ को ही यूज करना है, कोई बेलन कोई चीज यूज नहीं करनी। तो पहले हम यहाँ पर लेयर्स बनाएंगे, मतलब एक के ऊपर एक अपने मैदे को काट काट के रखेंगे। तो पहले मैंने ऐसे फ्लैट किया, इसको आधा काटा, फिर एक के ऊपर एक ऐसे रख दिया, फिर इसको फिर से फ्लैट किया, फिर ऐसे एक के ऊपर एक रख दिया, और फिर इसको फिर से फ्लैट किया। और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके लेयर्स बनना शुरू हो गए हैं, और ऐसे लगभग आपको कम से कम 6 से 7 बारी करना है। ये देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कैसे कितनी सारी लेयर्स बनती जा रही है। और यही जब आप बालूशाही को फ्राई करोगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर के साथ साथ, यही उसको फूलने में मदद करेगी और वो बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन बनने लगेंगे। अब जब ये सब कर लो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको फिर से इसको रेस्ट देना है। तो अपना थोड़ा सा आटा लो और उसको एकदम स्मूदली रोल करो। अब आप बोलोगे कि भरत स्मूदली रोल है, अगर स्मूथ कर देंगे तो वो डिजाइन बनेगा कैसे? यही तो ट्रिक है, जब आप अपने आटे को लंबा करोगे और इसको स्मूद नहीं करोगे तो दिक्कत ये आती है कि जब इसको ऐसे फ्राई करोगे तो आपकी बालूशाही कुछ कुछ ऐसी दिखने लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे साइड्स टूट गए हैं, मतलब थोड़े से बिखर गए हैं, अलग अलग हो गए हैं, तो वो जुड़ नहीं पाए।
तो इसलिए हमने यहाँ पर उसको थोड़ा सा ऐसे रोल करके पहले थोड़ा सा स्मूथ किया है और फिर उसको थोड़ा सा 5 मिनट और रेस्ट करने के लिए रखा है। तो बस 5 मिनट के बाद आपको देखो कुछ कुछ ऐसा सा आटा मिलेगा और अब आपको बस इनको इक्वल साइज में काटना है, कुछ कुछ ऐसे। अब बस यहाँ पर इस मैदे के गोले को थोड़ा सा रोल करें और एकदम सेंटर में अपनी उंगली से, चाहे छोटी उंगली बड़ी उंगली, एक छेद कर दें। और ये करना भी बहुत जरूरी है ताकि अंदर तक हीट आराम से पहुंच पाए। तो बस देखते ही देखते आपकी सारी बालूशाही तैयार हो जाएंगी। अब हम देख लेते हैं कि हमारी चाशनी कहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब हमारी चाशनी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। और इसको टेस्ट करने का जो बेस्ट तरीका मुझे लगता है वो ये है कि आप एक कोई भी स्टील की कटोरी या स्टील का बोल ले, उसमें थोड़ी सी चाशनी डालें और इसमें ये देखें कि उसकी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी कैसे आ रही है। अगर वो थोड़ा सा हल्का सा गाढ़े गाढ़ेपन में लगने लगता है, जैसे कि यहाँ पर लग रहा है, तो बस आपकी चाशनी तैयार है। यहाँ पे एक तार की चाशनी बिल्कुल भी ना बनाएं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जो चाशनी है वो थोड़ी सी ही गाढ़ी होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। तो चलो अब समय हो गया है पकाने का। तो मैंने यहाँ पर अपना तेल रखा है मीडियम टू लो फ्लेम में। बहुत लो पे भी ना पकाएं और मीडियम पे भी ना पकाएं, मीडियम लो पे पकाएं। मतलब 120-130 के आसपास आपका टेम्परेचर होना चाहिए तेल का। और हाँ, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि आप सारी बालूशाही एक साथ पकाएं, मतलब ऐसी कढ़ाई लें जिसमें बहुत सारी बालूशाही एक साथ आ जाए। उससे ये होगा कि हीट इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगी और बालूशाही अंदर तक अच्छे से पकेगी। अगर आप थोड़ी थोड़ी करके पकाओगे तो आपकी बालूशाही कच्ची रहने के बहुत चांसेस हैं। तो एक एक करके आराम से आप सारी बालूशाही डाल दें और इसको मीडियम लो फ्लेम पे आराम से पकने दें। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, मतलब इसको 5-7 मिनट आराम से लग जाएंगे, तो इसको आराम से पकने दें और इसको ज्यादा बिल्कुल भी ना हिलाएं। बस 2-3 मिनट बाद इसको पलटें और इसको फिर से 2-3 मिनट और पकने दें। ये देखिए धीरे धीरे करके बालूशाही कैसे फूलने लग गई है और यहाँ पर इसका कलर भी चेंज होने लग गया है। और यहाँ पर आप साइड में आप देख सकते हो मेरे आटे को स्मूथ करने के बावजूद वो क्रैक्स, वो डिजाइन अपने आप बनने लग गए हैं। और वो इसलिए बने क्योंकि हमने वो सारी लेयर्स बनाई थी ना, इसलिए बन गए। तो बस आपको आखिर में आपको कुछ ऐसी सुनहरी सी बालूशाही मिली। अब बस आपको इतना करना है कि ये जो गर्म गर्म बालूशाही है इसको सीधा अपने तेल से निकालते ही गर्म चाशनी में डालना है बस, ताकि अंदर तक चाशनी पी जाए। तो आप जल्दी से सारी बालूशाही डाल दें और लगभग 3-4 मिनट बाद आप, अगर आप ऐसे जैसे मैं अपने पैन में बना रहा हूँ जो कि पूरी बालूशाही कवर नहीं कर रहा, तो मैंने 3-4 मिनट बाद इसको पलट दिया। और अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे तो आपको छोटे छोटे बबल्स दिखने लगेंगे और वही हम चाहते हैं कि अंदर तक चीनी पहुंचे। ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी परफेक्ट और प्रोफेशनल बालूशाही लग रही है। और यही नहीं, ये थोड़ी सॉफ्ट भी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक गलती जो मैंने करी वो ये थी कि जब मेरी बालूशाही पूरी पक गई थी, चाशनी में भी मैंने डाल दिया था, तो मैंने इंतज़ार नहीं किया, मतलब चाशनी से निकलने के बाद बालूशाही को सेट होने नहीं दिया। तो मैंने एक गलती करी है, तो आप वो गलती बिल्कुल भी ना करना। चाशनी से निकालने के बाद जो चीनी की जो कोटिंग है उसको सेट होने दें, क्योंकि वो मैंने बाद में फोटो लेते समय कर दिया था। और एंड में मैंने डिश आउट करते हुए यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता भी डाल दिया बस। तो दोस्तों ये है रेसिपी बिल्कुल हलवाई के सीक्रेट्स के साथ, परफेक्ट बालूशाही की रेसिपी। और दोस्तों आपको सारे लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स और उसके मेजरमेंट्स मेरी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बार में जाना है, आपको लिंक मिल जाएगा। और जो भी मैंने चीज़ें यहाँ पे यूज़ की है, जो मैंने घी यूज़ किया है, जो मैंने कढ़ाई यूज़ करी है, सब कुछ खरीदने के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बार में मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसको ज़रूर लाइक करें, आने वाले फेस्टिवल सीजन को ज़रूर इन्जॉय करें। दोस्तों मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ।